जय माँ भवानी। सिंह राशि के जातकों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आज के सिंह राशि के दैनिक राशिफल की, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं आज के पंचांग के बारे में। 28 जून 2022 मंगलवार का दिन है और आषाढ़ मास स्नान दान कृष्ण पक्ष आज अमावस्या तिथि है और नक्षत्र है आज मृगशिरा। अभिजीत मुहूर्त आज दोपहर 11:47 से लेकर दोपहर 12:40 तक रहेगा। आज का सूर्योदय सुबह 5:23 पर और चंद्रमा की स्थिति रहेगी मिथुन राशि पर। और आज के जो अशुभ समय होगा वह तकरीबन होगा शाम 4:37 से लेकर शाम 6:15 तक रहेगा। इस अशुभ समय में कोई भी शुभ और नए कार्य की शुरुआत न करें तो विघ्न बाधाएं आ सकती है। अब बात करते हैं आज के सिंह राशि के दैनिक राशिफल की और ये प्रश्न चंद्र राशि पर आधारित है। सिंह राशि के जातकों, आज ये होकर रहेगा कई क्षेत्रों से खुशखबरियां मिलेंगी तो कई क्षेत्रों में लाभ के योग भी बने रहेंगे। निरंतर प्रयास करेंगे तो यानी कि अगर आप लगातार प्रयास करेंगे, निरंतर जिसको कहते हैं रूटीन बनाकर अगर आप प्रयास करेंगे तो आज आपको सफलता हर क्षेत्र में मिलेगी। लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे आज के दिन। आज अगर आप गायन के क्षेत्र में हैं, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हैं और मेडिकल के क्षेत्र में इंफॉर्मेशन वकालत करते हैं तो इन क्षेत्रों में आज आपको लाभ होगा, काफ़ी उत्तम रहने वाला है। गायन, बंधन, नृत्य, संगीत, साहित्य में रुचि है तो इन क्षेत्रों में कामयाबी प्राप्त होगी। सिंह राशि को आज के दिन बहुत विशेष रहेगा। आज चूंकि मंगलवार का दिन है तो भगवान बजरंगबली की पूजा आराधना करके दिन की शुरुआत करें, सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी को लाल सिंदूर और मीठा पान और केला लड्डू जरूर चढ़ाएं तो विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। चूंकि आज स्नान दान अवश्य तिथि है तो आज पितरों को प्रसन्न करने के लिए आज आपको जरूर दान करना चाहिए। काले तिल, काले उड़द का दान करें और पितरों का श्राद्ध जरूर आप करें, श्राद्ध तर्पण तो आशीर्वाद मिलेगा उनका। तो सिंह राशि के जातकों, आज के दिन काफ़ी विशेष रहने वाला है, चारों दिशाओं से लाभ होगा, लेकिन कार्यों में आज आपको फोकस बनाए रखने की ज़रूरत है, लापरवाही बिल्कुल भी ना करें। भगवान बजरंगबली का स्मरण करके ही आप दिन की शुरुआत करेंगे और आज आपको चूँकि आज स्नान दान अमावस्या तिथि भी है तो आज के दिन आप जरूर काले तिल, काले उड़द का दान करें, पितरों का तर्पण करें ताकि सुख शांति आपके जीवन में बनी रहे और भगवान बजरंगबली को सिंदूर, लड्डू और मीठा पान जरूर आप चढ़ाएं तो आपकी विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, आज आपके ऊपर समस्त लाभ देखने को मिलेंगे, कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों से विशेष उपलब्धियां प्राप्त होंगी। भगवान बजरंगबली की कृपा से आज आपको कारोबार में भी बेहतरीन प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा, लेकिन आज आप लगातार प्रयासरत रहेंगे तो लाभ होगा, जिससे कि आप इंफॉर्मेशन के साथ साथ कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में लाभ होगा। मेडिकल के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं उन्हें लाभ होगा, वकालत इंफॉर्मेशन के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं उन्हें लाभ होगा। और यदि आपकी रुचि गायन बाधन है, नृत्य संगीत में है, साहित्य में है तो इन क्षेत्रों में कामयाबी प्राप्त होगी। कई ऐसे काम हैं जो काफ़ी दिनों से अधूरे पड़े थे उन्हें पूरा करने का प्रयास करेंगे। परिवार में आज आपका पूरा ध्यान रहेगा। परिवार की स्थितियाँ जो खराब थी धीरे धीरे सुलह होती नजर आएगी, लेकिन आज आपको अपने घर में कुछ सुख समृद्धि के लिए कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें खरीदारी नजर आएगी करते नजर आएंगे तो इससे खर्च भी बढ़ेंगे। हालांकि आज आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी और शुभ मंगलकार होंगे। धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा, कथा वार्ता हो सकती है। जिनके विवाह पहले से तय हैं वो वैवाहिक जीवन बनते नजर आएंगे आज के दिन। प्रेम जीवन में भी जो उतार चढ़ाव था वो खत्म होगा, वैवाहिक जीवन में भी जो उतार चढ़ाव था वो खत्म होगा और एक दूसरे का सपोर्ट प्राप्त होगा, एक दूसरे के सहयोग से भी बेहतरीन प्रदर्शन कर पाएंगे। तो आज आपके प्रेम जीवन में विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता होगी। जीवन में चल रही समस्याएं आपके खत्म होंगी और आपके जीवन में जो कुछ समस्याएं थी वो खत्म होगी। दाम्पत्य जीवन से जो लोग जुड़े हुए हैं उन्हें संतान की प्राप्ति हो सकती है आज के दिन। स्वास्थ्य को लेकर भी कुछ चिंताएं आपको जरूर परेशान कर सकती है, जैसे कि अगर कोई मधुमेह है, मूत्र मार्ग में समस्याएँ हैं, पुरानी कोई बीमारी है, मस्तिष्क पेट में समस्याएँ हैं तो वो आज आपको परेशान करेंगे, तो इसलिए आपको स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान रखना होगा और बाहरी खान पीन की चीज़ों में भी सतर्कता बनाए रखना होगा। स्वास्थ्य का पूर्ण रूप से सहयोग पूर्ण रूप से आप ध्यान दें और योगाभ्यास का रूटीन में अपने शामिल करें। योगाभ्यास से आपके स्वास्थ्य में थोड़ा सेहत में सुधार होगा। डॉक्टर चेंज करने की भी सलाह दी जाती है। वाणी पे आज आपको यानी कि नियंत्रण बनाए रखने की ज़रूरत है। मानसिक रूप से आज आपको परेशानी हो सकती है, आलस पर नियंत्रण आप जरूर करें आज के दिन। आज आपको भागदौड़ करनी पड़ेगी, गाड़ी वाहन का प्रयोग थोड़ा कम करें, गाड़ी वाहन से संबंधित कोई समस्याएं हो सकती है इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें।
हालांकि आज आपको संतान को लेकर अच्छी खबर मिलेगी और वहीं पर गाड़ी वाहन को खरीदने की भी अच्छी खबर मिलेगी। कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों से आज आपको विशेष अच्छी खबर मिलेगी, लेकिन आपको सावधानी बरतनी है। किसी को उधार कर्जा नहीं देना है, पैसे उधार बिल्कुल ना दें, किसी के बहकावे में आकर कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय ना लें, और खासकर अपने जहां पर नौकरी करते हैं या फिर बिजनेस व्यापार करते हैं कहीं पर भी अपने सहयोगियों के साथ मतभेद ना करें। बैंक से हालांकि आज आपको अच्छी खबर लोन के रूप में मिलेगी, लेकिन इसे सही इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, वरना पैसे भी आपके डूबने का यानी कि कगार पर रहेंगे, क्योंकि अगर आप गलत जगह पर लगाते हैं तो दिक्कतें होंगी। आज आप कई ऐसे क्षेत्रों पर काम करने का मौका मिलेगा, बड़े प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ मिलेगा। वहीं आज आपको आकस्मिक रूप से धन का लाभ होगा। अगर आप अपने पहले से मार्केटिंग के क्षेत्र में जमीन प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया हुआ है तो निश्चित तौर पर आज आपको डबल फायदा होगा। तो भागदौड़ के साथ साथ आपको पूर्ण रूप से अपने कार्यों पर भी ध्यान देना होगा और कार्यों के प्रति कोई भी लापरवाही न करें, विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि कार्यों के प्रति अगर लापरवाही करते हैं तो आपको परेशानियों का सामना करना जरूर पड़ेगा। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रख के चलने की आवश्यकता होगी। आपको ये सलाह दी जाती है और अपने काम पर फोकस करें। आज आपका शुभ रंग रहेगा यहाँ पर आशावानी कलर और भाग सातवीं बार रहा है 80%। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। जय श्रीदेव।